वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस में कंसिडर अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी डायग्राम में ए से बी पर गए एक्सपेंशन और बी से वापस ए पे आए कंप्रेशन. तो एक्सपेंशन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है. तो आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कि वर्क डन ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एरिया इनसाइड अ साइकिल. ये शेडेड एरिया इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्लूडिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बता सकता हूं. जब आप एक्सपेंशन कर रहे थे तो नेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन का वर्क डन क्या था? ये वर्क डन था एक्सपेंशन का टोटल एरिया अंडर द एक्सपेंशन कर्व. जब आप कंप्रेशन कर रहे थे तो कंप्रेशन में ये कर्व है तो ये क्या आएगा? इसका एरिया अंडर द कंप्रेशन. एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव है, कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव है. नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? एक्सपेंशन के एरिया में से कंप्रेशन के एरिया को माइनस कर देंगे. माइनस करेंगे तो आपके पास यही एरिया आएगा. इसलिए बोला जाता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन पूरे साइकिल का इज एरिया इनसाइड अ साइकिल. नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बिल्कुल भी जीरो नहीं है. एरिया इनसाइड अ साइकिल आपको वर्क डन देगा. ठीक, यही तो बताया है, जीरो नहीं आया. क्यों? क्योंकि जाते हुए एरिया बड़ा है, आते हुए एरिया छोटा है. एक्सपेंशन में बड़ा है और कंप्रेशन में छोटा है. एक रिजल्ट याद रखना कि जब आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा और आप एरिया इनसाइड अ साइकिल निकालेंगे, अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज है ऐसा, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या माना जाएगा? पॉजिटिव. और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या माना जाएगा? नेगेटिव. न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा इसे.